फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं आज आपको प्लांट होल्डर बनाना बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने ब्लू कलर के कॉर्ड लिया है। ये मेरे 3 मीटर का ले रखे हैं, 6 कॉर्ड लिए हैं, 3 3 मीटर के। एक साइड में मैं 3 कॉर्ड अटैच करूँगी और ऐसे ही मैंने पिंक कलर के 6 कॉर्ड अटैच करूँगी इसमें 3 मीटर के। एक साइड में ब्लू कलर के 3 कॉर्ड अटैच करूँगी, दूसरी साइड भी 3 कॉर्ड अटैच करूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने अटैच कर लिया है। 1/2 मीटर का मैंने एक ब्लू कॉर्ड लिया हुआ है, देखिए इस तरह से सपोर्ट के लिए मैंने लगा लिया है। और उसमें मैं एक एक करके सारे कॉर्डों की पाइपिंग कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब पिंक कलर की कॉर्ड से देखिए मैं इस तरह सिंपल नॉट लगाऊंगी, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए इस तरह से मैं बीच की कॉर्ड को पकड़ूंगी और बीच से निकाल लेंगे और उसमें सिंपल नॉट लगा लेंगे खींच के। देखिए मैं इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। इसी तरह से हमने भी 2 और बनेंगे हमारे इसमें। पहले हमारे पास 3 मिलेंगे, फिर 2, फिर 1। इस तरह से बनेंगे हमारे तीनों डिजाइने। ये 2 दूसरा बना रही हूँ मैं। देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। देखिए फ्रेंड, दूसरी साइड से भी मैंने ये डिजाइन बना ली है। इस साइड से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से बनाना है। देखिए एक बार इस कॉर्ड पे नॉट लगाएंगे, दूसरी बार इस कॉर्ड पे हम नॉट लगाएंगे। अब एक एक करके सारे कॉर्डों की इसमें हम पाइपिंग कर देंगे। पिंक कलर की कॉर्डों से ही हम इस पर पाइपिंग करेंगे ब्लू कलर की कॉर्ड के ऊपर। इसका दूसरा कॉर्ड लेंगे, इसमें से हम दोबारा से इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। देखिए अब ये दूसरे है, इस पर भी हम इसी तरह से करेंगे। एक बार इस कॉर्ड के ऊपर नॉट लगाएंगे, दूसरी बार इस कॉर्ड के ऊपर नॉट लगाएंगे हम। दोबारा से हम सेम जैसे हमने ऊपर पाइपिंग की थी, दोबारा से उसी तरह से हम इस पर पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में सारे कॉर्ड हमारे ब्लू कलर के आ गए हैं। जैसे हमने ब्लू कलर के कॉर्ड पे एक के ऊपर नॉट लगाए थे, उसी तरह से एक कॉर्ड के ऊपर एक नॉट लगाएंगे हम। देखिए एक बार इस कॉर्ड के ऊपर, दूसरी बार इस कॉर्ड के ऊपर नॉट लगाएंगे। इस तरह से हम ये बीच में हम इसी तरह से पूरा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस साइड मैंने ये डिजाइन बना रखी है, इस दूसरी साइड मैं आपको बना के बताती हूँ।
देखिए, ब्लू वाले कॉर्ड को हम इस तरह से रखेंगे और पिंक वाले कॉर्ड से हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे और बीच में गैप देते हुए हम इस पे पाइपिंग करेंगे। धीरे धीरे हमने हर कॉर्ड के बीच में गैप देना है और पाइपिंग करते रहेंगे। देखिए इस तरह से करके अब पिंक वाले कॉर्ड को हम अंदर से बाहर की तरफ खोलेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे ब्लू वाले कॉर्ड को और गोल शेप देके इस तरह से हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। एक ग्रीन कलर की मोती हम इसमें पिरोएंगे और फिर दोबारा से हम इस पर पाइपिंग करेंगे। इस कॉर्ड को हम बिल्कुल पास पास लेते जाएंगे और लास्ट में हम इसको मिला देंगे। अब यहां से दोबारा से हम इस ब्लू कॉर्ड को मोड़ लेंगे और दोबारा से पिंक कलर से हम पाइपिंग शुरू करेंगे। वही जैसे हमने ऊपर गैप देके पाइपिंग की थी, उसी तरह से हम यहाँ भी गैप देते हुए पाइपिंग करेंगे। कॉर्ड को हम ज्यादा नहीं खींचेंगे। इसी तरह से हम तीसरा रो भी बनाएंगे इसकी। देखिए फ्रेंड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए दोबारा से हम ब्लू कलर के ऊपर पाइपिंग करेंगे जिस तरह से हमने ऊपर की थी। 6 कॉर्ड एक साइड, 6 कॉर्ड एक साइड। देखिए इस तरह से मैं करके बता रही हूँ आपको। इसमें हम ऐड कर लेंगे। में लास्ट में हमारे पास पिंक कलर के सारी कॉर्डें एक साथ बीच में आ जाएंगी। कॉर्ड कम होने पर हम इसमें कॉर्ड को अटैच कर लेंगे और देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसमें लाइक शेयर एंड साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
देखिए फ्रेंड, पूरे पिंक कॉर्ड मेरे पे बीच पर आ गए हैं। अब देखिए, चार कॉर्डों का मैं सिंपल नॉट लगाऊंगी और चारों कॉर्डों को फिर मैं एक साथ लेके साइड से एक एक कॉर्ड लूंगी। इन चारों के ऊपर दोबारा से सिंपल नॉट लगाऊंगी। अब देखिए, हमारे पास छह कॉर्ड हो गए हैं। दोबारा से इन पर साइड से हम एक एक कॉर्ड लेंगे और छह कॉर्डों के ऊपर हम एक साथ सिंपल नॉट लगाएंगे। इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे हम इसे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरी डिजाइन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, दोबारा से हम इस पर एक बार इस कॉर्ड के ऊपर नॉट लगाएंगे, दूसरी बार दूसरे कॉर्ड के ऊपर नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हम चार बार एक में लगाएंगे। इसी तरह से हम और कॉर्डों पे भी, ब्लू कॉर्ड के ऊपर भी इसी तरह से नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से पिंक कलर के कॉर्ड को भी हम सिंपल नॉट लगाएंगे। चार कॉर्ड होगा बनाएंगे इसे, हम सिंपल नॉट लगाएंगे इसमें बिल्कुल। देखिए फ्रेंड, मैं चार कॉर्ड में सिंपल नॉट लगाऊंगी। इस तरह से सबके में चार चार के ग्रुप बनाऊंगी और इनको बराबर से नॉट लगा लूंगी सिंपल। ये हम छोटा सा गमला के लिए बना रहे हैं, गमला बनाएंगे। इसमें गमला डालेंगे अपना फ्लावर पॉट। ये एक जाल की तरह बन जाता है जिसमें हमारा फ्लावर पॉट इजीली रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, ये दोनों को हम बीच में इस तरह से जोड़ लेंगे। नीचे भी हम सिंपल नॉट लगा लेंगे। ज्यादा लंबा गैप नहीं करेंगे हम। इसी तरह से हम चारों तरफ से दोबारा नॉट लगा लेंगे।
इसी तरह से इनको हम आपस में जोड़कर सिंपल नॉट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने एक कंप्लीट कर लिया है। आज जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड हैं सब पे एक साथ इकट्ठा करके हम देखिए एक एक करके हमने सारे रिकॉर्डों को इकट्ठा कर लिया है और इस तरह से हम इसको नॉट लगा देंगे नीचे से। देखिए इस तरह से हमने मिट्टी से बांध पकड़ी और इन पर हम देखिए यहाँ पर हमारा फ्लावर पॉट रखेगा। इस तरह से हम इस पर कॉर्ड रैप करेंगे टाइट से जिससे कि खुले ना। फ्रेंड मैंने कुछ बेल भी इसमें नीचे से बेल भी लगा रखे हैं, आप भी आपकी मर्जी है आप लगाओ चाहे ना लगाए, लेकिन मैंने लगाए हैं इसमें बेल। देखिए इस तरह से रैप कर रही हूँ टाइट से। देखिए इस तरह से खींचा मैंने और ये टाइट से इसको कट करके हम यहाँ से लाइटर की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से नीचे से एक्स्ट्रा कॉर्ड जितना होगा हमारे पास उसको हम कट कर लेंगे और नीचे से बेल लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड जो हमने हाफ मीटर कॉर्ड इसमें पाइपिंग के लिए ली थी उसको हम दोबारा से ऊपर इसके ऊपर हम जैसे स्ट्रेच कर लेंगे। देखिए इस तरह से टैप कर रही हूँ मैं इसको टाइट से ये खुले ना, और फिर कट करके हम इसको लाइटर की हेल्प से स्टिच कर लेंगे और ऊपर हम इसको वॉल हैंगिंग के लिए ऊपर डालने के लिए देखिए मैं एक कॉर्ड अटैच कर रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड मेरा बन के तैयार हो गया प्लांट होल्डर, प्लांट हैंगिंग है वॉल में, आप इसको इजीली लगा सकते हैं।